आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन डिशेस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी के स्पाइसी बॉल्स। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स में कभी भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लिया है पानी। मैंने यहाँ लगभग 1.5 गिलास पानी लिया है। मैंने यहाँ फ्लेम को हाई रखा है। अब मैं पानी में ऐड कर दूंगी सौंफ। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच क्रस्ट सौंफ ली है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। अब मैंने इसमें लिया है क्रस्ट काली मिर्च 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ऑरिगेनो, नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अब मैं पानी को एक उबाल आने तक पका लूंगी। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी सूजी यानी सेमोलिना। मैंने यहाँ लगभग 1.5 कटोरी सेमोलिना लिया है और इसे मैं चलाती जाऊंगी ताकि जो सूजी है उसमें लम्स ना पड़े, इसलिए हमें सूजी को चलाते रहना है। मैंने यहाँ फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसे मैं चलाती रहूँगी। ये देखिए गाढ़ी होने लगी है। अभी मैं इसे और गाढ़ा करना है जब तक कि सूजी कढ़ाई से अलग ना होने लगे। ये देखिए सूजी जो है वो ईजिली कढ़ाई से अलग हो रही है ना। तो अब मैंने यहाँ फ्लेम को बंद कर दिया है। इसे हम हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। सूजी जब तक ठंडी होगी तब तक हम आलू को रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ उबले हुए आलू लिए हैं। मैंने यहाँ 2 उबले हुए आलू लिए हैं और इन्हें मैं ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए जो मोटा साइड है मैं इससे इस तरफ से आलूओं को ग्रेट करूँगी। ये देखिए आलू इस तरह से आ रहे हैं। मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। तो अब मैं इसमें सूजी को ऐड कर दूंगी। सूजी भी ठंडी हो चुकी है। सूजी को मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, बहुत ही हल्का ठंडा किया है ताकि जब हम इसे मिलाएंगे तो हाथों में गर्म ना लगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हाथों में हम लगा लेंगे हल्का सा ऑयल क्योंकि सूजी हाथों में चिपक रही है। देखिए इस तरह से हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं आटे का डो, उसी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सूजी का डो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। अब मैं ले लूँगी एक प्लेट और मैं बनाऊँगी बॉल्स। बॉल्स बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह से सूजी में से एक बड़ा हिस्सा ले लिया है। इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए मैं छोटी छोटी बॉल्स के लिए लोई तोड़ लूँगी, जिस तरह हम आटे से लोई तोड़ते हैं। और इसे मैं हल्के हाथों से राउंड हाथों को देखिए इस तरह से घुमा करके मैं एक बॉल्स रेडी कर लूँगी। इसी तरीके से मैं सारी बॉल्स को बनाकर रेडी कर लूँगी। 1.5 कटोरी सूजी में लगभग 25 बॉल रेडी हुई हैं। ये देखिए मैंने बॉल्स बनाकर रेडी कर ली हैं। तो अब मैंने करूँगी डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। इसे मैं कर लूँगी हाई फ्लेम पर गर्म। ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब मैं इसमें एक एक करके बॉल्स को डाल दूंगी और डालने के बाद मैं इसे बिल्कुल भी नहीं टच करूंगी। जब ये बॉल्स हल्की सी ऊपर आने लगेंगी तब मैंने पलट दूंगी। देखिए ये बॉल्स हल्की सी ऊपर आ चुकी हैं। तो अब मैंने पलट दूंगी। पलटने के बाद मैं इसे गोल्डन कलर आने तक दूसरी साइड से भी पका लूंगी और पकाने के बाद मैं इसे कढ़ाई से निकाल कर अलग कर दूंगी। इसी तरीके से मैं सारी बॉल्स को बनाकर रेडी कर दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप इंडियन डिशेज चैनल की रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकें। ये बहुत ही टेस्टी होती हैं और बहुत ही ईजिली रेडी हो जाती हैं।